हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 21 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। कल हमारी डिस्कशन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि कल थोड़ी तबीयत वो ज्यादा ही खराब थी, तो अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विंड एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, हमें सही विकल्प को चुनना है। देखो, एग्जाम में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम दो चीजों का स्पेशली ध्यान देना है। एक तो हमें पूछा क्या गया है, और एक एग्जाम में जब भी हम मार्क कर रहे हैं, ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो क्या सही भर रहे हैं। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को सही मार्क कर लेते हैं और जल्दबाजी में ओएमआर शीट में गलती कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं कि पूछा क्या है, और हम सही स्टेटमेंट पूछा और हम गलत को टिक मार देते हैं, या फिर गलत पूछा तो हम सही को टिक मार कर देते हैं। तो क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट को बताइए, विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यह है कि विंड एनर्जी के लिए जो टर्बाइन यूज होती है उसके लिए हवा की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर ओवर, या इससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 15 किलोमीटर पर ओवर से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि लार्जेस्ट विंड फॉर्म है वो इंडिया में तमिलनाडु में स्टेबल है, वो क्या गया है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तो देखो, इसका आंसर है वो बेसिकली है सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। विंड एनर्जी के लिए जो टर्बाइन होती है उस टर्बाइन को घूमने के लिए कम से कम हवा की स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर ओवर, तभी वो ढंग से काम हो कर पाती है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी फार्म है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु वो कोस्टल एरिया है और वहां पे हवा काफी अच्छी चलती है, इसलिए हवा की जो फ्रिक्वेंसी वो भी अच्छी रहती है और कंटिन्यूस फ्लो रहता है, और इसीलिए वहां पे काफी अच्छा फॉर्म है वो स्थापित किया गया है। आप ये बताइए कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे ज्यादा बॉर्डर है वो कोस्टल एरिया को फेज वो करता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले तीन स्टेट के नाम आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन से का कोस्टल एरिया है, उसके बाद में सेकंड कौन से और थर्ड कौन से है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के बारे में। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें कौन सा यूज होता है, मतलब ग्रीन हाउस गैस में भी अलग अलग तरह की गैसें यूज होती हैं, तो उसमें सबसे जो प्रभावशाली है वो कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है CO2 और चौथा है वाटर वेपर। तो देखो, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि या तो CO2 हो सकता है मेथेन, इसका आंसर होगा बेसिकली डी। अगर आपने पढ़ा हो तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो ग्रीन हाउस गैस के लिए काफी एक तरीके से काम है वो करती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाती है। हमारे वायुमंडल में जो भी ह्यूमिडिटी है उसको बेसिकली हमारे एनवायरमेंट, या आप बोल सकते हो कि अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज के लिए काफी अहम है वो होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस के लिए काम करती है। तो ये सिक्वेंस है वो आप याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस में जो एक तरीके से प्रतिष्ठित गैस होती है वो होती है वेपर, जो पानी की बूंद होते हैं वो, या बोल सकते हो कि वाटर वेपर। दूसरे नंबर पे होती है CO2, तीसरे पे होती है मीथेन और चौथे पे होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इन चार का आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि समुद्री धाराएं हैं वो बेसिकली जो समुद्र में जीव जंतु रह रहे हैं, अन्य जीव, उनको लाने के लिए जो फ्लैंकटोन होते हैं वो लेके आती है। तो देखो, फ्लैंकटोन क्या होता है, फ्लैंकटोन का न्यूट्रिशंस की हम बात करें, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर जो मछली वगैरह हैं वो बेसिकली छोटी छोटी घास है वो खाते हैं, जिसको हम फ्लैंकटोन या फिर बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये कहा गया कि समुद्री धाराएं हैं वो नक्षत्रों और अन्य जीवों को खिलाने के लिए पोषक तत्व लेके आती हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि दो समान महासागर धाराओं के बैठक बिंदु या जो मिलान बिंदु है उस पर मछली पकड़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान है वो होता है। देखो, आप दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना, एक एक वर्ड को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, गलत स्टेटमेंट पूछा है। तो सेकंड स्टेटमेंट को अब हम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि दो समान महासागर धाराओं के बैठक बिंदु मछली पकड़ने के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि समान धाराओं, मतलब गर्म गर्म या ठंडी ठंडी जल धाराएं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर असमान जल धाराएं मिलती हैं तो उस कंडीशन में वहां पे जो मछली की प्रजाति है या फिर मछली पकड़ने का एरिया ज्यादा होता है, ना कि समान समान। अगर एक साइड से ठंडी जल धारा, एक साइड से गर्म आके मिल रही है, तो उस एरिया में ठंडे के भी प्राणी मिलेंगे, गर्म के भी मिलेंगे। अगर समान रहेंगे तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी कम रहेगी। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, तो हमें गलत यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि वन्य जीवों में अधिकांश जो जीव होते हैं उनकी जो सेल बनी हुई होती है उसका 99% द्रव्यमान किस में होता है, मतलब एक सेल का जो 99% द्रव्यमान है वो किन का बना होता है।
पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन, चौथा है ऑक्सीजन। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली सेल होती है उसमें 99% जो द्रव्यमान होता है वो होता है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, सेकेंड ऑप्शन में आप नाइट्रोजन कर सकते हो, तो वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फास्फोरस का कम होता है तो इसका मतलब फास्फोरस को हमें हटा देना है, तो ए जहां पे उसको हटा दो तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अर्थ डे के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि हर साल एक दिन है वो वहां पे रोशनी के लिए बंद कर दी जाती है, वो बेसिकली होता है अर्थ डे। थर्ड स्टेटमेंट कहा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट यह है कि यह बेसिकली 1970 से सेलिब्रेट है वो किया जा रहा है। तो देखो हम बात करें, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अर्थ डे है वो यूएनईपी की एक पहल है, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक मूवमेंट, एक आंदोलन है, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन भी सही है कि 1970 में इसको मनाया स्टार्ट है, वो सेलिब्रेट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में आप एक बार देखिए क्या पूछ कह रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस दिन हर साल रोशनी एक साल के कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है। तो आपको बताया ये तो होता है बेसिकली अर्थ ओवर में, मतलब ये तो अर्थ ओवर होता है जिसमें एक घंटे के लिए लाइट है वो बंद करते हैं एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। तो इसका मतलब हमें गलत ही पूछा है, तो गलत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। हम मतलब हमें गलत स्टेटमेंट यहाँ पे चूज है वो करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पिघलने वाले ध्रुवीय बर्फ के समुद्र के स्तर में वृद्धि में योगदान होते हैं, मतलब ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो समुद्र का लेवल है उसको बढ़ाने में योगदान देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि पिघलने वाले हिमनद और बर्फ कैप्स ने पानी की वजह से बाढ़ का एक कारण है वो बना दिया है, पानी की वजह से बाढ़ आती है। थर्ड स्टेटमेंट यह है कि विभिन्न तटीय रेखाएं विभिन्न समुद्र स्तर के आंदोलनों का अनुभव है वो करती हैं या फिर समुद्र के लेवल का मूवमेंट करती हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट यह है कि गर्म पानी ठंडे पानी से सघन होता है, घने का मतलब सघन होता है। या यहाँ पे दिया गया है कि वार्म वाटर इज डेंसर देन कोल्ड वाटर। अब आप देखो गलत स्टेटमेंट हमें पूछा गया है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथे स्टेटमेंट की हम बात करते हैं कि यह क्यों गलत है। ये क्या कह रहा है कि गर्म पानी है वो ठंडे पानी से घना होता है। देखो आपको पता है गर्म पानी होता है वो बेसिकली कम घना होता है, उसमें सघनता कम होती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टेटमेंट उल्टा दिया गया, क्योंकि ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना कि गर्म की। ठंडी जो भी चीज होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे हम बात करें लोहा होता है सॉलिड तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसके बाद में लिक्विड फॉर्म होती है उसकी डेंसिटी उससे कम होती है, और सबसे कम डेंसिटी वो बेसिकली होती है एयर की। तो ये हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि भाई ये कह क्या रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि जानवरों पर आक्रामक स्पीसीज नहीं होती। देखो ये कह रहा है कि एनिमल्स डोंट हैव इन्वेसिव स्पीसीज। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑल द एलियन स्पीसीज टर्न इन्वेसिव, मतलब कि सभी विदेशी जो प्रजातियां होती हैं वो आक्रामक हो जाती हैं। हमें सही विकल्प की बात की गई है, हम एक बार सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी विदेशी प्रजातियां आक्रामक हो जाती हैं, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। और जैसा मैंने आपको बताया था काफी पहले भी कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट एग्जाम में आ रहा है इसका मतलब दाल 99% काली ही है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि सभी स्पीसीज काली नहीं, वो सॉरी सभी स्पीसीज है वो आक्रामक नहीं होती हैं, लगभग 15-20% ही स्पीसीज होती हैं विदेशी जो कि आक्रामक होती हैं या फिर इन्वेसिव होती हैं। और बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एनिमल्स डोंट हैव इन्वेसिव स्पीसीज, तो ये भी देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि एनिमल्स में कोई भी एलियन इन्वेसिव स्पीसीज वो नहीं होती है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन का मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पाया जाता है, मतलब वेयर इज द मेजोरिटी ऑफ कार्बन फाउंड ऑन अर्थ। पहला ऑप्शन दिया गया है अर्थ बायोस्फीयर, सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन दिया गया है सॉरी अर्थ क्रस्ट, थर्ड ऑप्शन दिया गया है एटमोस्फीयर, चौथा ऑप्शन दिया गया है ओशियंस। तो देखो हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी अर्थ में, वो जाता है क्रस्ट पे, मतलब जो ऊपरी परत है इसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है जमीन में जमा हुआ। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। तो ये थी देखो आज की हमारी कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कशन, आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।